ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखे रिसीव करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजनाथ सिंह भी देखिए आपको साथ में नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें सामने, उत्तर प्रदेश में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने के दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में थोड़ी देर बाद देखिए आपको प्रधानमंत्री नजर आएंगे। आज यूपी में रोजगार को कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश है वो आगे विकास के पथ पर बढ़ रहा है, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में अभी तक विकास के काम हुए हैं, रोजगार को लेकर काम हुए, इन्वेस्टर समिट के जरिए जो काम हुआ है, इन तमाम चीजों का एक संक्षिप्त में ब्यौरा जो है प्रधानमंत्री रखेंगे आज निवेशकों के सामने भी। और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। वीरेंद्र जी, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, आज बड़ा दिन है क्योंकि रोजगार का मेला होगा, विकास की रफ्तार होगी, इसी के सपने को साकार करने का पूरा ये कार्यक्रम आज हो रहा है, किस तरीके से आज इसकी शुरुआत और कैसे इसके परिणाम? बिल्कुल, देखिए आज उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए एक बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री इस समय लखनऊ की एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री और चीफ सेक्रेटरी, ये सारे लोग उनकी अगवानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का तीसरा चरण है आज और 80,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। अब वो सीधे यहाँ से जाएंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जहां पर पूरे देश भर के उद्योगपतियों को वो संबोधित करेंगे और ये शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यूपी के लिए ये बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि जब 500-500, 1000-1000 करोड़ की कई सारी इकाइयां आ रही हैं और अगर ये जमीन पर उतरेंगे आने वाले वक्त में, तो इससे उत्तर प्रदेश में रोजगार में वृद्धि होगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे जाएगा, उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे लगेंगे। आज इसके लिए जो पिछले 5 साल से योगी सरकार लगातार कोशिश कर रही थी, उसका दूसरा टेन्योर मिला है। अब उद्योगपतियों का भी भरोसा है कि सरकार लगातार 10 साल से काम करेगी और इस दौरान उनको जो सहूलियतें मिलनी हैं, जो सुविधाएं मिलनी है, वो अपना उद्योग चालू करने के लिए हासिल कर सकते हैं। पूरे देश के लोग यहाँ पर इकट्ठा है, उद्योगपति, उद्योग जगत के लोग इकट्ठा है। आज बहुत सारी अच्छी सूचनाएं आएंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एक बड़ा कार्यक्रम ये यहाँ पर होने जा रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकती हैं कि प्रधानमंत्री इस समय लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और उनका स्वागत चल रहा है। बिल्कुल, देखिए स्वागत की तस्वीरें हमने देखी और कुछ देर में वो तस्वीरें भी होंगी वीरेंद्र जी, जब हमें नजर आएगा किस तरीके से आज प्रधानमंत्री बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ नया हुआ है, किस तरीके से इन्वेस्टर समिट के जरिए विकास के पथ पर आगे बढ़ा है उत्तर प्रदेश, इन तमाम चीजों को आज हम सुनने वाले भी है प्रधानमंत्री के संबोधन में। लेकिन इसी के साथ वीरेंद्र जी देखिए, आज एक अहम पहलू भी है कि एक ODOP, एक MSME, एक पश्चिमांचल जहां पर सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है, ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है आज। देखिए ODOP तो एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है और ये यूपी के 75 जिलों को ध्यान में रखकर इसको लाया गया है। बिल्कुल, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में ये रहा कि जो भी निवेश आते हैं, फैक्ट्रियां आती हैं, ये सब ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ के इलाके में, NCR में आती थी। सरकार की ये कोशिश थी कि ये यहाँ से मामला आगे बढ़े, कानपुर आए, लखनऊ आए और पूर्वांचल के लोग जाएं। चूंकि प्रधानमंत्री खुद बनारस से सांसद हैं तो उनके आने के बाद से बनारस की जो दशा बदली है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप हो रहा है, उसको भी उद्योगपतियों को उसने काफी लुभाया है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री के कोशिशों से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार जो सरकार है उसका ये जो प्रयास है, ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, अभी देखिए चुनाव का रिजल्ट 2 महीने सरकार बने हुआ है लेकिन सरकार ने हिम्मत दिखाई और एक नया कार्यक्रम उसने बहुत बृहद स्तर पर लॉन्च किया। बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री के हाथों वो इसका उद्घाटन करा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसको आप बहुत बड़े इवेंट के रूप में देख सकते हैं। यूपी जैसे बड़े स्टेट में जहाँ पर उद्योग कम है, लोग खेती किसानी पर आधारित है, जहाँ बेरोजगारी है, वहाँ इस तरह के आयोजन निश्चित ही ऊर्जा भरते हैं और संभावनाएं दिखाते हैं कि यूपी एक संभावनाओं का प्रदेश बन रहा है। यूपी में उद्योग लगाने के लिए लोग आ रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, इस दिशा में काम लगातार होने चाहिए और ये हो रहे हैं और निश्चित ही ये बड़ा आयोजन है और इसकी तैयारी भी बड़े रूप में की गई है, इसीलिए पूरे देश से उद्योगपति यहाँ बुलाए गए हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो आज बड़ा दिन है, थोड़ी देर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शुरुआत हो जाएगी, 11 बजे का वक्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, देखिए उनको रिसीव करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, राजनाथ सिंह, तस्वीरें आपके सामने। और उसके बाद तस्वीरें होंगी जब मंच पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के। और बाकी